गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, एक बार फिर से प्रैक्टिस चैनल पर स्वागत है। आज हम आपको सिक्स क्लास का कुछ टॉपिक है जो रह गया था जो हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं, क्लास सिक्स। ठीक है, टॉपिक का नाम है फ्रैक्शन। देखिए फ्रैक्शन यानी भिन्न। ठीक है, भिन्न क्या होता है ध्यान दीजिए, भिन्न का मतलब होता है अंश बटे हर, अंश बटे हर। ठीक है, जैसे न्यूमिनेटर, रेटर, डेनोमिनेटर, राइट। जैसे आपने लिखा 3/4, तो ए आपका हो गया एन, नीचे हो गया डी, यानी अंश बटा है। देखो मैं आपको बेसिक चीजें करके बताऊंगा कैसे करना है आपको। ठीक है, दूसरा पॉइंट, जैसे मैं लिखा 1/4, जैसे लिखा मैंने 1/4, राइट, 1/4 मतलब एक चौथाई, एक चौथाई, तो क्या हो जाएगा 1/4। जैसे फिर आ गया 2/3, यानी 2/3, यानी 2/3। तो इस तरह से जैसे भी लिखा मैंने आधा, आधा यानी हाफ, यानी हाफ हो गया, राइट। अब यहां पे आ गया 1/3, एक तिहाई, इसका आ गया 1/3। ठीक है, ये चीजें जो है इसको हम एग्जाम्पल दिया, मैंने आपको भिन्न का दिया ताकि आप इस तरह से करें। जैसे एग्जाम्पल में और भी क्वेश्चन हो सकता है छठा, जैसे मैं लिखा 1 days, यहाँ लिखा 1 days और यहाँ लिखा 40 hours। अभी 1 day है तो 1 day कितने होते हैं, 24 hours अपॉन 40 हो गया। ठीक है, तो इकट्ठे को 8 × 3 = 24, 8 × 4 = 50, यानी 3/4, 3/5, तो ये भी आपका आगे फ्रैक्शन। मतलब इस तरह का भी क्वेश्चन आ सकता है कि जैसे कि अब इसमें दे दिए टाइम्स, और टाइम्स में कितने घंटे होते हैं, एक दिन में 24 घंटे होते हैं, तो ये भी दे देगा। ठीक है, फिर आपको यहाँ दे देगा, आपको दे देगा, यहाँ दे देगा 1 year और यहाँ दे देगा 24 months। तो कैसे करोगे, 1 year में कितने होते हैं, 12 months होते हैं, 12 यहाँ पे आ गया और 24 आपने यहाँ कर दिया, तो 12 अंदर 12 और 12 × 24, तो ये आपका आ गया 120। तो ये चीज़ें जो मैंने जो बताया ये आपको हमने क्या है बच्चों, ये हमने आपको फ्रैक्शन के बारे में बताया। फ्रैक्शन होता क्या है इसके बारे में मैंने आपको डिस्कस किया। क्लियर हो गया पक्का, अगला देखिए वीडियो जरूर लास्ट तक देखिएगा और बच्चों को भी बताइएगा अच्छी तरह। देखिए अगला नंबर है, जैसे मैं लिखा नंबर लाइन, संख्या रेखा, जैसे मैं लिखा 5/2, राइट, तो 2 को डिवाइड करेंगे 5 से, 2 × 4, यहाँ पॉइंट हो जाएगा 0, 2 × 5 = 10, तो शायद आपको क्लियर हो गया होगा 2.5। ठीक है, डॉट नहीं है तो क्या करेंगे, तो लाइन देंगे, यहाँ लिखेंगे 0, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, राइट, हो गया। अभी 0.5 है तो यानी कि 2 और 3 के बीच में 5 होगा, यानी यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5 यहाँ पे, तो यहाँ पे ग्राफ बनेगी यहाँ। ठीक है, तो इसको कहेंगे हम 5/2 पॉजिटिव है क्योंकि यहाँ पे प्लस होता है और 0 की इधर आपका निगेटिव होता है, ये याद रखिएगा। इसको मैं मिटाता हूँ। ठीक है, अब आते हैं, देखिए जैसे आता है उचित भिन्न,
उचित भी नहीं, प्रॉपर प्रॉपर फैक्शन आई काता विषम इम्प्रॉपर इम्प्रॉपर फैक्शन। तो इसका मतलब होगा कि इसमें ऊपर कम नीचे ज्यादा, यानी जिसके अंदर में एन जो होगा वो कम होगा, यानी अंश जो होगा इसमें कम होगा और हर इसमें ज्यादा, ये आप क्या करना, इसमें उल्टा हो जाएगा, इसमें ए होगा इसमें ए हो जाएगा, यानी इसमें एन ज्यादा होगा यानी न्यूमरेटर ज्यादा होगा और हर कम होगा, ठीक है। इसमें अंश ज्यादा होगा तो इसमें अंश कम होगा, यानी न्यूमरेटर ज्यादा होगा तो इसमें न्यूमरेटर कम होगा, क्लियर हो गया। अगला देखिए, अगला है मिक्स फ्रैक्शन, मिस भिन्न, ध्यान देना इसमें मान 3/2 है, इसको अपने डिवाइड करेंगे, आप 2 को डिवाइड कर देंगे 3 को, यहाँ वन राइट, इसको पहले आप यहाँ लिखिए, इसको ऊपर लिखिए, इसको यहाँ लिखिए, जो नीचे डिवाइड किया उसको यहाँ लिखा जाता है, ठीक है, क्लियर हो गया। अब आते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, तुल फ्रैक्शन, तुल भिन्न, कैसे बता तुल भिन्न, जैसे मान लो 3/2 है तो आपने लिख दिया 6/4, क्या होगा 2 3 6 और 2 2 4, इसको होते हैं इक्विवेलेंस, ठीक है। तो ये तो आपका फ्रैक्शन में कुछ चीजें जो थी मैंने आपको बेस किया और आगे बता दें, क्लियर हो गया ना, इसको उतारते रहिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अब इसमें आते हैं लाइट फ्रैक्शन, लाइट फ्रैक्शन समान भिन्न, और दूसरा हो गया अनलाइट, अनलाइट फ्रैक्शन असमान भिन्न, ठीक है, जैसे 3/12, 5/12, 6/12, यानी इसमें हर जो होगा समान होगा, हर समान होगा, समान होगा यानी इक्वल होगा डेनोमिनेटर, ठीक है, इसमें जो हर होगा सेम होगा, इसके अंदर कोई भी इक्वल नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, इसमें होगा 3/2, कभी हो जाएगा 8/10, कभी हो जाएगा 6/2, इसमें कोई इक्वल नहीं होगा, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं डिक्रीज, डिक्रीजिंग यानी डिक्रीजिंग हो गया, अवरोही क्रम, जैसे ध्यान दीजिएगा, जैसे लिखा क्वेश्चन में इसमें आ जाए 2/, इसमें लिखा ध्यान से देखो 3/2, 2/2, इसमें 1/2, यानी इसके अंदर में बिल्कुल डिक्रीजिंग हो गया होगा, ज्यादा को आगे लिखना, ज्यादा को आगे, जो ज्यादा होता है ना उसको आगे लिखा जाता है, उसको कहते हैं डिक्रीज। अब आते हैं इंक्रीजिंग मतलब अरोही कर कम को आगे, कम हुआ जैसे 1/2, 2/2, 3/2, ठीक है, इसमें कम को आगे हो गया, इसमें ज्यादा को आगे हो गया, इसको कहते हैं इंक्रीजिंग, ठीक है, क्लियर हो गया। अब इसको मिटाता हूँ, अगला क्वेश्चन है, अब बताना है बड़ा और छोटा बताना है,
जैसे 3/2, 8/2, तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो 3 × 2, और इसको इससे कर दो 8 × 2, तो कितना हो गया 16, यहाँ हो गया 6, बड़ा कौन है, ये बड़ा है, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है सम का, 1/2 + 1/2, तो नीचे का अगर जो सेम होगा तो उसको उतार दीजिए और ऊपर का भी सेम उतार दीजिए, तो इसका हो जाएगा 2/2, तो इसलिए कट दिया जाएगा, यहाँ हो गया 1, ठीक है। अगर मान लीजिए यहाँ पे लिखा 3/2 और यहाँ लिखा 4/5, तो नीचे का जब अलग अलग होता है ना तो उसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो 5 × 10 और 5 × 3 = 18 और 4 × 8 कितना हो गया 23/10, क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है जैसे अब यहाँ लिखा एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स यानी योज प्रतिलोम, योज प्रतिलोम, जैसे 3/2 है तो प्लस का क्या होगा, प्लस का हो जाएगा माइनस, तो माइनस 3/2 इससे कट जाएगा, बराबर जीरो आंसर, ठीक है। डाउट तो नहीं है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन है 3/2 - 1/2, माइनस में भी उसी करते हैं, जब नीचे का जो चीज मिलता है उसको यहाँ लिख देते हैं, ठीक है, और ऊपर का सेम उतार देते हैं, 3 − 1 = 2/2, इसका हो गया 1, ठीक है। यानी कि हमने ऊपर का सेम लिखा फिर उसको माइनस कर दो, 1 आ जाएगा। अब यहाँ देखिए जैसे 3/2 - 1/3, फिर देखो जहाँ पे सम संख्या हो जहाँ पे सम संख्या हो, जहाँ पे इवन नंबर जहाँ ओड नंबर उसको गुणा कर दे, सिर्फ मल्टीप्लाई कर दो, 3 × 2 = 6, 3 × 3 = 9 और 2 × 1 = 2, तो यहाँ हो गया 9 × 2 माइनस कर दो 7 × 6, ठीक है। डॉट थ्री डॉट थ्री बराबर, तो मेरा आपसे यही निवेदन है कि आप थोड़ा सा इसको प्रैक्टिस करिए और प्रैक्टिस करने के साथ साथ जितने जो संख्या है ना उसको करने की कोशिश करिए, ठीक है ना। तो आई होप कि भी आपको वीडियो समझ में आपको आ गया होगा, इतना ही है 6th क्लास में। तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें और दोस्तों को भी बताएं, ठीक है ना। जब तक के लिए नमस्कार।